खाद्य विभाग की टीम ने होली पर्व को देखते हुए विशेष अभियान चलाते हुए लालकुआ क्षेत्र में औचक छापेमारी कर जनरल स्टोर, मिठाई की दुकान और एक डेयरी में व्यापक छापेमारी करते हुए खाद्य पदार्थों की जांच की, जिसमें चार दुकानों से गुजिया, पनीर और किशमिश के सैंपल लिए और एक दुकानदार को धारा 32 का नोटिस दिया और एक दुकान का चालान भी किया। खाद्य विभाग के जिला अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम द्वारा लालकुआ के विभिन्न दुकानों प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करते हुए छापेमारी की, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग द्वारा गोला रोड में दो मिठाई की दुकानों से गुजिया के सैंपल लिए गए। इसके अलावा गोला रोड स्थित जनरल स्टोर और गुज्जर डेयरी में दुकान का लाइसेंस न होने पर दुकानदार का चालान किया। इस दौरान जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने एक दुकानदार के लाइसेंस नियमों का ठीक प्रकार अनुपालन न करने के कारण धारा 32 का नोटिस दिया और हिदायत दी कि भविष्य में कमियां मिली तो कार्यवाही होगी। खाद्य विभाग की टीम ने गुज्जर डेयरी में छापेमारी की तो उक्त दुकान बिना लाइसेंस की चलाई जा रही थी, जिस पर विभाग ने दुकान का चालान किया और वहां से पनीर के सैंपल भरे। नवभारत समाचार लालकुआ उत्तराखंड से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। एक हमें विदाउट लाइसेंस मिला है, तो विदाउट लाइसेंस में काम कर रहा है, डेयरी मिली है तो उसमें हम केस फाइल करके कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा एक जगह हमें थोड़ी गंदगी मिली है तो उसमें इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, बस समय देंगे 15-20 दिन की सुधारेंगे। थोड़ी सप्लाई ज़्यादा होती है तो मिलावट की आशंका हो जाती है, तो आज हम आए हैं तो अभी हमने चेक किया है, तो अभी हमने डेयरी पर पनीर की सैम्पलिंग की है। विदाउट लाइसेंस मिला था तो विदाउट लाइसेंस चालन किया है, और अभी हम मिठाई की दुकानों पर कर रहे हैं। एक जगह गंदगी थोड़ी दिखाई दे रही है तो इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, समय देंगे सुधार करने के लिए, और नहीं सुधारेंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने एक पनीर का, एक ड्राई फ्रूट का और एक गुजिया का, एक मिठाई का इतना सैंपल लिया है, अभी कार्रवाई चल रही है, आगे की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, ध्यान लगभग इसको 10 दिन हो गए, 21 तारीख से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो सप्लाई वाहन है उनका भी लिए जो हमारा ध्यान है वो ये है कि जो सप्लाई पर होलसेलर हैं, जो सप्लाई की गाड़ियाँ आ रही हैं या जिन चीज़ों की ज़्यादा इसमें दीवार में जरूरत है, जो ये सैम्पलिंग करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं। इस बीच में हमने कई जगह गंदगी में चालान भी किए, सीधे केस में। अच्छा, जनपद।